Hello everyone, welcome to the free UPSC preparation. Lecture number 5 जो है वो based रहेगा evolution of public administration वाले topic पे. और ये lecture काफी important होने वाला है, क्योंकि अगर आपने evolution वाला part अच्छे से समझ लिया तो फिर thinkers वाला part भी आपके लिए बहुत easy हो जाएगा समझना. ठीक है, और thinkers वाले part पे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि thinkers बहुत सारे हैं. फर्स्ट टाइम आप रीड करते हो तो याद ही नहीं रहेगा कि कौन से थिंकर ने क्या बात कही थी. चार पांच क्लासिकल थिंकर पढ़ते हैं, फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आएगी, फिर बिहेवियरल मूवमेंट आएगा, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी. ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी पहले और उसके बाद में हम उसकी डिटेल में जाएंगे ताकि चीज़ें आपको याद रहें. उम्मीद करती हूँ अभी तक जितने लेक्चर्स हुए उनमें जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए काफ़ी हेल्प हुई होगी आपकी चीज़ों को समझने में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसको समझना बहुत ईजी है, तो आप मेरी जो बातें हैं उनको क्लोजली फॉलो करें और पेज एंड पेन को लेकर के चलें ताकि जो भी बातें बोली जाएं आप उनको नोट डाउन कर सकें. ठीक है, देखो 1887 के अंदर वुड्रो विल्सन ने एक ऐसे लिखा, ये चीज हमने कल भी कर ली थी, और वहां से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी स्टार्ट हुई. कोई डाउट नहीं है यहां तक? अब वुड्रो विल्सन की तीन बातें थी, कौन कौन सी? पहली तो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग हैं, यानी कि डाइकोटमी है. दूसरा ये कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस की तरह, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को आपने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स पे बनाना है जो पॉलिटिक्स से अलग हो. ठीक है, तीसरी उन्होंने कोशिश करी एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ बिजनेस बताने की. ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स को आपने क्लियरली फॉलो करना है. जो आने वाले थिंकर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने ये माना डाइकोटोमी चलेगी, कुछ टाइम तक डाइकोटोमी वाला फेज आएगा जिसमें हम पॉलिटिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने की कोशिश करेंगे. पॉलिटिकल साइंस इज द मदर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम पॉलिटिकल साइंस से ही अलग हुए हैं. तो जब हम अपने घर वालों से अलग होते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? हमारी पहचान बनाने की. द सेम गोज विद द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या थी? पॉलिटिक्स से अलग तो हुआ लेकिन उसको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी थी, एक पहचान बनानी. और वो पहचान कैसे आएगी? जब वो प्रूव करेगा कि ओके आई एम डिफरेंट एंड ये मेरी वैल्यूज हैं, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं इन इन बेसिस पे पॉलिटिक्स से अलग हूँ. डाइकोटोमी पे बात चलेगी, फिर बात चलेगी पैरेलली साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे. साइंस अगर आपको बताना है किसी चीज़ को तो आप कैसे करोगे? बेसिकली आप बताओगे कि देखो ये प्रिंसिपल्स हैं, मैं अगर इन फिक्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप अच्छे से काम करने लगेगा, एफिशिएंसी आएगी. तो इन्होंने किस पे फोकस किया? प्रिंसिपल्स पे फोकस किया. ठीक है, लेटर ऑन अब हम पॉलिटिक्स से अलग हो रहे हैं. पॉलिटिक्स से अलग तो हुए लेकिन हम किसकी तरफ चलते चले गए? मैनेजमेंट की तरफ. ठीक है, तो आपको एक ऐसा टाइम पीरियड भी मिलेगा जब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा. जो शुरुआती दौर है ना, क्लासिकल थिंकर्स आ जाएंगे, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं है. टेलर क्या कहते हैं कि देखो जी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, उनके काम करने के तरीके को इम्प्रूव करो. उनके डिसीजन मेकिंग पावर, उनकी जो पॉलिसीज गोल है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं हुई. कोशिश किस पे हुई? एफिशिएंसी पे. कोशिश किस पे हुई? काम करने के तरीके पे. और काम करने का तरीका किस में आता है? मैनेजमेंट में आता है. तो ये तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है कि 1887 से जो डायरेक्शन है वो किस किस तरफ से स्टार्ट हुई है, जो स्टडी है वो किस किस डायरेक्शन में स्टार्ट हुई. डाइकोटमी, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो मैं यहाँ पे आपको थिंकर्स का और बता देती हूँ. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुड्रो विल्सन.
उसके बाद में आएंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले। अब नाम में देखो, मैनेजमेंट है लेकिन साइंटिफिक तरीके से। और इसके प्रोमिनेंट थिंकर कौन है साइंटिफिक मैनेजमेंट के? F.W. टेलर। ठीक है जी। फिर आएंगे क्लासिकल थिंकर्स या क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के कौन है? हेनरी फायोल है, सॉरी के अलावा गुलिक एंड उर्विक हैं, मुनियन रैले हैं, वो क्लासिकल थिंकर्स में आते हैं। ये सीरीज वाइज चलेगी, मतलब पहले वुड्रो विल्सन के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, साइंटिफिक मैनेजमेंट की कमियां थी वो क्लासिकल थिंकर्स ने पूरी करी, क्लासिकल थिंकर्स में जो कमियां थी वो ह्यूमन रिलेशन वालों ने पूरी करी, इस तरीके से चलता रहेगा। क्लासिकल थिंकर के बाद में क्या आएगा? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वाले आएंगे। और इनमें कौन आएगा जी सबसे प्रोमिनेंट? इनमें आएगा एल्टन मायो। ठीक है। देन आएंगे आपके बिहेवियरल थिंकर्स, इसमें बहुत सारे, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड को आप सिस्टम थ्योरिस्ट भी बोल सकते हो, बिहेवियरल थिंकर भी बोल सकते हो। यहाँ से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो मैं आपको तब बताऊंगी जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे, बिहेवियरल थिंकर्स की कैटेगरी में पहुंचेंगे। बट इससे पहले यू शुड नो कि ओके, इस तरीके से हमारी जो मूवमेंट है वो चलेगी। ठीक है। तो क्लासिकल थिंकर्स तक आप मेनली प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी के ऊपर ही फोकस करते रहोगे। ठीक है। तो मैं अब आपको नोट्स पे लेके जा रही हूँ, नोट्स से देखना आप किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, इवोल्यूशन कैसे होता है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिस इज एज ओल्ड एज आर ओन सिविलाइजेशन। सुमेरिया वॉज अ प्लेस एंड काफ़ी एंशंट सिविलाइजेशन मानी जाती है। इजिप्ट की भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो सुमेरियंस और इजिप्शियंस ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कहाँ पर दिखाई? पिरामिड बनाने में। और वो पिरामिड आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट रही होंगी उनकी टेक्नोलॉजी और उनके स्किल्स। देन हमारे यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जो हिस्ट्री है, इट बिगिंस फ्रॉम फ्रॉम वैदिक पीरियड। क्यों? हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी एडमिनिस्ट्रेशन तो डेफिनेटली रहा होगा। अगर उस टाइम पे इतनी प्रोमिनेंट अर्बन सिविलाइजेशन थी तो डेफिनेटली देर वॉज सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हम उसकी जो स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेज है, उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं, मतलब अभी तक हम उसकी भाषा को समझ नहीं पाए हैं। और जब तक हम भाषा नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे परफॉर्म किया जाता था। वहाँ की क्राफ्ट, आर्ट एंड कल्चर लाइफ को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके जो हमें मटेरियल मिला है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है उससे। लेकिन वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा हम सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से नहीं लगा सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर कर पाए, समझ पाए। तो जितना हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है उसमें वैदिक पीरियड से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लेकिन वैदिक पीरियड में मोस्टली जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट है, काफ़ी फिलोसॉफिकल बातें होती हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ओल्डेस्ट टेक्स्ट की इन इंडिया, इट इज़ द कौटिल्यास अर्थशास्त्र। और कौटिल्य एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मौर्या एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में ये तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हुई। अब अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो एंशियंट टाइम में प्लेटो और एरिस्टोटल, ठीक है, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इनकी बुक्स थी पॉलिटिक्स पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बट तीनों की ही किताबें फिलोसॉफिकल रही, काफ़ी हद तक फिलोसॉफिकल कैटेगरी में उनको रखा जाता है। और ये पॉलिटिकल थिंकर हैं, इसलिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स में इनके बारे में नहीं बताया जाएगा। कौटिल्य डेफिनेटली एक ऐसे थिंकर रहे जिनको दोनों में पढ़ना पड़ेगा, आपको पॉलिटिक्स में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर प्रॉपर एक पूरा टॉपिक है कौटिल्य, तो वहाँ पे डील करेंगे।
एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स इन एंशियंट वेस्ट, एंशियंट टाइम पे एरिस्टोटल रह करके गए हैं, फिर मैकियावेली की बुक थी द प्रिंस, ये मेडाइवल वेस्ट वेस्टर्न टाइम में रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रहे हैं, एंड इनकी जो राइटिंग्स थी, जो बुक्स थी, दे कंटेन सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। लेकिन जो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने आपको बताया कि वुड्रो विल्सन ने कहा था साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहाँ पे स्टार्ट हुई, आई एम सॉरी द एग्जैक्ट वर्ड्स वर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस वॉज डेवलप्ड इन यूरोप। ठीक है, अब अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें पता होंगी, अगर नहीं भी पता तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। यूएसए को डिस्कवर करने का श्रेय जाता है किसको, यूरोपियंस को, यूरोपियंस को जाता है। अब यूरोप में अगर आप थोड़ा सा मैप देखो तो यहाँ पे एक आइलैंड कंट्रीज, आइलैंड कंट्री है, दैट इज ब्रिटेन। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा मैप बनाऊं तो एस शेप में आपका अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रिटेन है और ये यूएसए है। ठीक है, जस्ट इमेजिन ये यूएसए, यहाँ तक ब्रिटेन ने अपनी 13 कॉलोनी जो है वो बना रखी थी। ब्रिटेन यहाँ पे अपने लोगों को भेजता था, ऐसे लोग जो सोसाइटी में थोड़ा सा वो होते हैं ना, अनडिजायरेबल एलिमेंट होते हैं, उनको यहाँ पर भेजा गया। तो वो जो लोग थे वो ब्रिटेन से थोड़े से परेशान थे, ठीक है, उन्होंने अपनी टेक्निक को यहाँ पे अडॉप्ट किया, यहाँ पे काम करना शुरू किया, और काफ़ी टाइम के बाद में दे वर वेरी लिबरल इन देयर थॉट, यहाँ से कैपिटलिज्म लिबरलिज्म की शुरुआत होती है, फिर बाद में यहाँ पे मॉडर्न डेमोक्रेसी भी बनती है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि यूएसए की जो टेक्निक थी वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दी यूरोप, और इसी चीज को वुड्रो विल्सन भी कहते हैं अपनी राइटिंग के अंदर कि हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है वो यूरोप से आई है, यानी कि मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का ओरिजिन कहाँ पर है, यूरोप में है। और यूरोप में भी कहाँ पर, अगर मैं मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो ये सबसे पहले पर्शिया के अंदर स्टार्ट किया गया था, ठीक है, पर्शिया मॉडर्न डे जर्मनी, वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फर्स्ट टॉट एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कोर्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल ऑन प्रोबेशन इन पर्शिया। और जो मीनिंग एंड स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इट वॉज फर्स्ट डिफाइंड इन द हैमिल्टन द फेडरलिस्ट, चार्ल्स डीन बेनिन्स प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सेपरेट ट्रीटाइज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, सिंपल सी चीजें मैंने बताई, अब स्टार्ट होता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट, एंड वी कैन ब्रॉडली डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग 6 पीरियड। एक चीज और याद रखना कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये जनरल क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा आप थिंकर्स स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन भी पढ़ सकते हो, इसमें दो आएंगे, एक तो निकोलस हेनरी का आएगा, ठीक है, दूसरा आएगा गोलम्बस्की का। ठीक है, तो मैं आपको पहले जनरल क्लासिफिकेशन बताऊंगी, फिर निकोलस हेनरी का, फिर हम थोड़ा सा गोलम्बस्की का भी देखेंगे। ठीक है जी, ओके। ये जो फेज वाला पार्ट है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेज आती है 1887 से शुरू होती है और 1926 तक चलती है, ये 1926 तक चलने के पीछे एक रीजन है। ठीक है, ये मान के चलना कि जहां पर एक फेज खत्म हो रहा है ना, या जब नया फेज स्टार्ट हो रहा है, वहां पे कोई ना कोई इम्पोर्टेंट राइटिंग्स आ रही है, राइटिंग का मतलब कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बुक आई है, उस बुक में ऐसे व्यू पॉइंट दिए गए थे जिससे हमारी जो एग्जिस्टिंग बिलीफ थे वो खत्म हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर डाइकोटॉमी के ऊपर बात की गई है, और ये कितने टाइम तक चलता है, 1887 से 1926 तक चलता है। दूसरा फेज, ये दूसरा टाइम जिसपे प्रिंसिपल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है,
ये 1927 से 1937 तक चलता है। थर्ड स्टेज इसको बोलते हैं एरा ऑफ चैलेंज। चैलेंज इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी बुक आई थी जिस बुक में इन दोनों ही पिलर्स को चैलेंज मिला था, जिसमें ये कहा था कि ना तो डाइकोटोमी है ना ही कोई प्रिंसिपल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो चैलेंज मिला। और जब आप चैलेंज का जवाब नहीं दे पाते तो फिर आता है जी क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता कि उसको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाना चाहिए, उसको जाना कहाँ है, तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। फिर फिफ्थ स्टेज आती है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। 1971 से 1991 तक पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव चलता है और फिर एक नया फेज आता है जिसमें एक अलग ही एस्पेक्ट गुड गवर्नेंस का आप बोल सकते हो वो आता है, रॉइन टू स्टीयरिंग 1991 से और अभी तक ये कॉन्टिन्यूइंग है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा कंटिन्यूइंग की। तो फर्स्ट पीरियड 1887 से 1926 तक आता है। क्यों? क्योंकि 1887 में वुड्रो विल्सन का एसे आता है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और 1926 के अंदर एल डी वाइट की बुक आती है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक के अंदर क्या था, वुड्रो विल्सन वाले में तो हमें पता है, बट एल डी वाइट की बुक में क्या था? इसमें जो कंटेम्प्रेरी पीरियड था उसकी डोमिनेंट थीम दी गई थी, एंड मेनली इन्होंने भी यही बात पे फोकस किया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रखा जाए, उसकी एफिशिएंसी कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इकोनॉमिकली कैसे बिहेव कर सकते हैं, दीज आर द वॉच वर्ड्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ मैं, ये जो फेज था इस फेज के अंदर वर्ल्ड ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लिया था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यूएसए भी एक डोमिनेंट फैक्टर मैं कहूं तो वो बनकर के उभरता है। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यूएसए की इकोनॉमी पे ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता शुरुआती सालों में, लेकिन बाद में बहुत नुकसान होता है। शुरुआत में तो बहुत फायदा होता है यूएसए को, है ना, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है टू द यूरोपियन कंट्री, तो बूम आती है एकदम से इकोनॉमी में। बट आपको भी पता है 1929 के अंदर, 1929 के अंदर ये जो बूम थी ये कोलैप्स हो जाती है, एंड देन ग्रेट डिप्रेशन आता है, इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स हो जाती है। इसका मतलब कि जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके काम हो रहा है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनमें है। ऑब्वियसली ग्रेट डिप्रेशन का एक पॉलिटिकल रीजन भी रहा, बट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ हिस्सा तो शेयर करना पड़ेगा, है ना। तो ये इन्हीं चीजों को याद रख करके आप जो है वो फर्स्ट पीरियड इवोल्यूशन को ध्यान में रखेंगे। इसी बीच 1900 के अंदर फ्रैंक जे गुडनाउ की बुक आती है और इसमें भी उन्होंने डाइकोटॉमी के ऊपर फोकस किया। यानी कि अगर आपको कोई भी ऐसे तीन थिंकर्स बताने हो जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स डाइकोटॉमी के बारे में बात करी, एक तो है जो वुड्रो विल्सन, दूसरे हैं फ्रैंक जे गुडनाउ और तीसरे आते हैं एल डी वाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंड पीरियड 1927 से 1937 तक, 1929 टू 1937। क्यों? क्योंकि 1927 के अंदर विलफ बाई की एक बुक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वहां से इस पूरे पैराडाइम की या पूरे पीरियड की स्टार्टिंग होती है। इसकी थीम क्या थी? प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा और भी काम हमें देखने को मिलता है, जैसे एमपी फॉलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस बुक आती हैनरी फायोल की इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट बुक आती है, मुनियन रायले की प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो दीज आर लाइक क्लासिकल वर्क्स, क्लासिकल थिंकर्स हैं ये, और क्लासिकल थिंकर्स ने किस पे फोकस किया? प्रिंसिपल्स पे फोकस किया, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए उनको क्लासिकल बोला जाता है। 1937 के अंदर ल्यूथर गुलिक और लिंडल उर्विक की बुक आती है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो 10 साल थे वो गोल्डन ईयर्स ऑफ प्रिंसिपल्स माने जाते हैं, और 1937 में ये पीक पे पहुंचते हैं। गुलिक एंड उर्विक की जो बुक पब्लिश होती है उसी के साथ ये पीक पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद में इनको मिलेगा जी चैलेंज, यहाँ पे उनको चैलेंज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस वाज द टाइम पीरियड व्हेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कमांडेड अ हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड इट्स प्रोडक्ट वर इन ग्रेट डिमांड बोथ इन द गवर्नमेंट एंड इन बिजनेस।
ठीक है। फिर आती है 1938 से 1947 में, यानी ऐसा क्या हुआ कि 1937 में गुलिक और उर्विक की किताब पब्लिश हुई, जो मैंने आपको बताया कि एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच गया एडमिनिस्ट्रेशन उससे। और उससे नेक्स्ट साल ही ऐसा क्या होता है कि चैलेंज मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ तो हुआ है। तो वो देन है चेस्टर बर्नार्ड की। चेस्टर बर्नार्ड की एक बुक आती है 1938 यानी 1939 के अंदर, और उस बुक का नाम था द फंक्शंस ऑफ द एग्जेक्टिव। ये बुक पब्लिश होती है। इस बुक के अंदर है ना ये तरीका बताया जाता है, बेसिकली एक तो ये कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फॉर्मल ही नहीं होता, एक इनफॉर्मल फंक्शन भी प्ले करता है। देर आर सम फंक्शनल ओवरले, ये वर्ड हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, डोंट वरी, जब हम चेस्टर बर्नार्ड को कवर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इसमें ये कहा गया कि मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है, और मैंने वहां पे 8 आवर्स काम किया, तो हर आर की एक मिनिमम वेज होनी चाहिए, है ना, यानी कि ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और जो वेज मुझको मिल रही है, जो सैलरी मुझे मिल रही है, वो सेटिस्फेक्शन है ना। तो वो कहते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन और सेटिस्फेक्शन के बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी पर्सन सही से काम करेगा, तभी वो अच्छे से मोटिवेटेड फील करेगा और काम करेगा, ठीक है। देन 1947 में हर्बर्ट साइमन की बुक आती है, आर्टिकल मान लीजिए द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद में 1947 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर उनकी बुक आती है। प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वो चैलेंज करते हैं प्रिंसिपल्स को, और प्रिंसिपल्स को कहते हैं कि ये तो ना महज लकोक्तियां या मुहावरे हैं, जो महज कुछ एक दायरे तक ही सीमित है, बाहर इनको कोई नहीं जानता। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में वो बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। द प्रिंसिपल थीसिस इज दैट देयर इज नो सच थिंग एज प्रिंसिपल्स प्रोवर्ब, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे चैलेंज मिलता है। तो चैलेंज वाले टाइम पीरियड में दो प्रोमिनेंट थिंकर है, एक तो चेस्टर बर्नार्ड है, और बर्नार्ड की ही राइटिंग से इन्फ्लुएंस होकर के हर्बर्ट साइमन है, हर्बर्ट साइमन अपनी बुक लिखते हैं, ठीक। अब चैलेंज को जवाब देने के लिए कोई चीज ही नहीं होती, स्कॉलर्स आगे नहीं आते, तो दैट लेड टू द क्राइसिस पीरियड फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक और भी रीजन है सिर्फ राइटिंग से नहीं, दूसरा रीजन ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप को बहुत नुकसान होता है, यानी कि हमारे जो एग्जिस्टिंग बिलीफ थे वो खत्म हुए, है ना। दूसरा, यूएसए यहाँ पे पावर के तौर पे उभरता है, लेकिन यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यूएसए को भी बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो करने पड़ते हैं। सो मैनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्डेड टू दिस बाय रिटर्निंग टू द फोल्ड ऑफ मदर साइंस, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। अब एक चीज और बताती हूँ आपको यहाँ पे कि थिंकर्स के पास दो ऑप्शन थे, ठीक है। क्राइसिस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस आया तो कुछ तो पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले गए, ठीक है, और कुछ चले गए मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। लेकिन इतना क्लियर था कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इश्यूज हैं जिनको रिजोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि प्रिंसिपल्स अपनी जगह सही हैं, प्रिंसिपल्स आप एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज। यहाँ पे ये समझो कि यूएसए में बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्ल्ड इकोनॉमी काफी खराब हो गई थी। दूसरा, आपको अगर याद हो तो यूएसए वियतनाम वॉर भी हुई थी। तीसरा, वहां पे अर्बन राइट्स बहुत हो रही थी, ठीक है। फोर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुकी थी। अब मैं आपको यूएसए का क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जितनी भी थ्योरेटिकल डेवलपमेंट हुई है वो यूएसए में हुई है। इन सारे रीजन की वजह से जो स्कॉलर्स थे उनको लगा कि हम ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करके कुछ नहीं कर सकते, वी नीड समथिंग न्यू।
तो वो इकट्ठे होते हैं मिनो ब्रुक के अंदर, वहां पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉन्फ्रेंस फर्स्ट इतना क्लियर हुआ आपको कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी वाला फेज आया, उसके बाद में उन्होंने डील कैसे किया, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत जो होती है वो किस कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो हम एनपीए अलग से कवर करेंगे, उसके बाद में क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। फिर आता है जी फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में एक नया पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है, नया पर्सपेक्टिव आता है कि हम अपनी जो गोल्स है ना उनको पहले डिफाइन करते हैं। अभी तक हम बिना किसी एम के, बिना किसी गोल के, सिर्फ एफिशिएंसी पे फोकस करते हुए हम काम कर रहे थे, लेकिन अब हमें यह ध्यान रखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट द पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो हम पॉलिसी को ही ध्यान में रख करके डेवलपमेंट करते हैं। पॉलिसी को ध्यान में कैसे रखोगे? वेरी सिंपल, अगर आपको एक पब्लिक पॉलिसी को पढ़ना है, समझना है, तो आपको कॉन्टेक्चुअली वो चीज पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिना समाज के अलग अलग एस्पेक्ट को समझे आप पब्लिक पॉलिसी को ना तो अच्छी बना सकते हो, ना ही अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर मुझे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन पॉलिसी बनानी है, तो मुझे इंडिया की इकोनॉमी, पॉलिटी, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की हिस्ट्री मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी बना सकती हूँ। और वही एजुकेशन पॉलिसी अगर मुझे बनानी हो यूएसए या किसी यूरोपियन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, मुझे वहां की सोसाइटी समझनी होगी, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी में क्या हुआ, पब्लिक पॉलिसी की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी इंटरडिसिप्लिनरी हो गई। मतलब अकेले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी करके आप कामयाब नहीं हो सकते, अब इंटरडिसिप्लिनरी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो पॉलिसी साइंस का जो दायरा था, पॉलिसी साइंस की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन चलता चला गया एंड टू द क्लोजर टू द रिलेटेड एरियाज, एंड इस पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वहां पर ये जो है डील करने लगे। देन आता है 1991 ऑनवर्ड्स। 1991 में एनपीएम की शुरुआत होती है, 92 के बाद में, मतलब 91-92 के बाद में चलता है। 1980s के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। जो पीरियड आता है सिक्स पीरियड, के अंदर ये फाइंड आउट किया गया कि प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन बहुत ज्यादा है और इनएफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा है। तो हमें ना ब्यूरोक्रेसी के अल्टरनेटिव पे फोकस करना होगा और ब्यूरोक्रेसी के अल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने होंगे। ब्यूरोक्रेसी के अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? मार्केट हो सकती है, एनजीओ हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी हो सकती है, वर्क ग्रुप्स हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। और यहां से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और सिविल सोसाइटी की शुरुआत होती है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? तो हम एनपीए भी अलग से कवर करेंगे, एनपीएम भी हम कवर करेंगे, बट मैं बस ये बताना चाह रही थी आपको कि चीजें की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। जब तक आप चीजों को कॉन्टेक्चुअली नहीं समझोगे फायदा नहीं है। तो थिंकर्स भी आपको पता होने चाहिए, ये जो चीजें मैंने आज आपको बताई, एक तो ये वाली पॉइंट, दूसरा थिंकर्स वाला, लिख लेना इनको, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका आता है निकोलस हेनरी के पैराडाइम। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें लोकस और फोकस को समझना है। तो आज तो मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगी, कल बताती हूँ मैं, तब तक आप अपना इवोल्यूशन वाला पार्ट अच्छे से कवर करो, ओके। निकोलस हेनरी का पैराडाइम हम कल कवर करते हैं। लेट्स सी अगर हमारे पास करने के लिए कोई टास्क है। वैसे तो आपके पास ऑलरेडी काम इनफ है आज के लिए अगर मैं देखूं तो, बट स्टिल तो देखते हैं आज आपको क्या काम दिया जा सकता है। अटेम्प्ट तो मतलब दो तीन बंदे जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकियों ने तो वैसे भी नहीं करना। इट्स ओके, लेट्स सी इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन से आप क्या सीख सकते हो। आंसर राइटिंग नहीं देती, चलो आज आपको, आज आपको एक पर्सनालिटी के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। पर्सनालिटी है ड्वाइट वाल्डो।
इसके बारे में आप, मत, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाइट बाल्डो के बारे में।